कभी आपने सोचा है कि ऐसी क्या चीज होती है जो एक आम इंसान को महान इंसान बना देती है? वास्तव में कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं होती जो आम इंसान को महान बना देती है, बल्कि वो छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो एक आम इंसान को महानता की ओर ले जाती है। और आज एक छोटे से पेंटर के द्वारा एक छोटा सा निस्वार्थ भाव से किया गया काम किस तरह से महान कार्य बन गया, इसकी कहानी आज मैं आपको सुनाती हूँ। सलाम प्रणाम खमा घनी साहब, मैं हूँ कनुप्रिया, स्वागत है आपका कहानी विद कनुप्रिया में। एक बार की बात है कि मछलियों का एक बहुत बड़ा व्यापारी नदी के किनारे अपने एक आलीशान से बंगले में रहा करता था और उसके दो बेहद ही प्यारे और नटखट से बच्चे थे। एक बार उसने अपने घाट पर पड़ी बेकार सी नावों को पेंट कराने के बारे में सोचा और अगले दिन सुबह उसने बाजार से एक पेंटर को बुलवाया। व्यापारी ने उसे नावें दिखाई और काम समझाकर अपने धंधे की ओर निकल गया। जब वो शाम को लौटा तो घर के बाहर लगी भीड़ को देखकर वो घबरा गया। उसके दोनों बेटे काफी देर से लापता थे और बहुत ढूंढने के बाद भी उनका कहीं पता नहीं चल रहा था। रो रो कर बच्चों की माँ का बुरा हाल हो गया था। तभी व्यापारी को पेंटर का ख्याल आया और वो दौड़ा दौड़ा उस जगह पर गया जहाँ पर उसने पेंटर को नावों को रंगने का काम दिया था। और जब उसने वहाँ पर नावों को देखा तो उसने पाया कि उनमें से एक नाव कम थी और जो पेंटर था वो काम करके अपने घर जा चुका था। व्यापारी का दिल तेज से धड़कने लगा और वो समझ गया कि उसके दोनों बेटे उसी नाव को लेकर नदी में कहीं चले गए हैं। उसने तुरंत ही कुछ गोताखोरों को और नाविकों को अपने साथ लिया और खुद नाव में सवार होकर अपने बच्चों को खोजने के लिए नदी में निकल पड़ा। उसे दूर से एक नाव आती हुई दिखाई दी। नाव के करीब आने पर उसने पाया कि वो नाव उसकी खुद की नाव थी और उसमें उसके दोनों बेटे सवार होकर वापस आ रहे थे। और जब बेटों ने अपने पिता को अपनी ओर आते हुए देखा तो काफी घबरा गए, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से मालूम था कि उन्हें बिना पूछे नावों को नदी में ले जाने की अनुमति नहीं थी। वो काफी घबरा गए कि अब उन्हें बहुत डांट पड़ने वाली है। व्यापारी ने जब अपने दोनों बेटों को सुरक्षित देखा तो उसने गहरी सांस ली और दोनों बेटों को डांटने की बजाय उन्हें जोर से गले से लगा लिया। किनारे पर बच्चों की माँ और अड़ोस पड़ोस के लोग उन लोगों के लौटने का इंतजार कर रहे थे। नदी के किनारे पहुँचते ही दोनों बच्चे दौड़कर अपनी माँ से लिपट गए। सभी के जाने के बाद व्यापारी फिर से उन नावों के पास गया जिन्हें पेंट करने के लिए उसने पेंटर को बुलवाया था और उन नावों को गौर से देखने लगा। और इसके बाद उसने फौरन उस पेंटर को बुलवा भेजा जिसने उन नावों को पेंट किया था। रास्ते में पेंटर को जब इस पूरी घटना के बारे में पता चला तो वो बहुत घबरा गया। उसे लगा कि हो ना हो बच्चों के खोने का इल्जाम अब उसी पर लगने वाला है और वो डरते डरते व्यापारी के पास गया। उसे देखते ही व्यापारी ने उसे प्रश्न किया, तुमने आज क्या क्या काम किया? जी आपने जो नावें दी थी मैंने उन्हें रंगने का ही काम किया बस, पेंटर ने घबराते हुए और सहमते हुए कहा। व्यापारी ने फिर से पूछा, तुम्हारी कितनी मजदूरी हुई? तो पेंटर ने सकुचाते हुए कहा, जी 500 रुपए। व्यापारी अपनी कुर्सी से उठा, आगे बढ़ा और उस पेंटर को अपने गले से लगा लिया और उसे कहा कि तुम्हारी मजदूरी 500 रुपए नहीं बल्कि 1,00,000 रुपए हुई है। और ऐसा कहते ही उसने 1,00,000 रुपए उस पेंटर के हाथ में थमा दी। पेंटर और वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए और सभी लोग ये सोचने लगे कि व्यापारी ऐसा विचित्र व्यवहार क्यों कर रहा है। इससे पहले कि कोई कुछ व्यापारी से पूछता, व्यापारी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग जरूर ये सोच रहे होंगे कि मैं इस पेंटर को 500 रुपए देने के बजाय 1,00,000 रुपए क्यों दे रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि आज इस पेंटर की वजह से ही मेरे दोनों बच्चों की जान बच पाई है। दरअसल वे जिस नाव को लेकर नदी में गए थे उस नाव में एक छेद था, एक बहुत ही छोटा सा छेद, मगर नाव को पेंट करते वक्त इस पेंटर महोदय की नजर उस छेद पर पड़ गई और उसने बिना किसी से पूछे उस छेद को भर दिया और फिर नाव को पेंट कर दिया, जबकि ये काम इनका नहीं था और ना ही इन्होंने इस काम के पैसे मांगे। अगर इन्होंने निस्वार्थ भाव से ये छोटा सा काम नहीं किया होता तो आज शायद मेरे बच्चे जीवित नहीं बचते और मैं अपने बेटों को खो चुका होता।
अब मैं जीवन भर इनका ऋणी हो गया हूँ और ये छोटी सी रकम इनकी अच्छाई के सामने, इनकी भलाई के सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा कहते हुए व्यापारी ने अपनी बात पूरी की और सभी लोग पेंटर की ओर देखकर उसके सम्मान में खड़े हो गए और जोर जोर से ताली बजाने लगे। वाकई वो बड़ी बड़ी चीजें नहीं होती जो एक आम इंसान को महान बनाती है, बल्कि वो छोटे छोटे निस्वार्थ भाव से किए गए काम होते हैं जो एक आम इंसान को महानता की ओर ले जाते हैं। आज की दुनिया में जहाँ सब लोग सिर्फ अपने फायदे और स्वार्थ के बारे में ही सोचते हैं, वहाँ पेंटर का एक छोटा सा निस्वार्थ भाव से किया गया काम कितना महान बन गया। इसलिए इस कहानी से सीख लेते हुए हमें नेक काम करने के छोटे से छोटे अवसर को भी नहीं गंवाना चाहिए और खुद से और खुद के स्वार्थों से ऊपर उठकर दुनिया को संवारने का प्रयास करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से मिली सीख के बारे में आपका क्या कहना है, इस बारे में अपने कमेंट्स मुझे जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहानी विद तनुप्रिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जल्द ही मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ, एक नए थॉट के साथ, एक नई सीख के साथ, सिर्फ कहानी विद तनुप्रिया में। तब तक आप अपना पूरा पूरा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जीवन को जिंदा दिली के साथ जीते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।